स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एग्जाम में। और पहले वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सबकी हार्दिक बधाई। और वीडियो आज बहुत खास है, UPSC AEC की बात करेंगे। UPSC AEC में जो GS की पार्ट होता है, जो 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर वन और पेपर टू में, हिंदी और GS जनरल अवेयरनेस की बात है, तो दोनों की बात किया जाएगा, कितना इम्पॉर्टेंट है और कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगा। पेपर वन की बात किया जाए, पेपर वन में आपका जैसे टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक भी होता है। पेपर वन उसमें 100 टेक्निकल होते हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक होते हैं। नॉन टेक फर्स्ट पेपर में क्या होता है, हिंदी होता है। हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के आते हैं, यानी 25 × 3 75 मार्क्स के आते हैं। 75 मार्क्स किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बट हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप टेक्निकल से ही निकाल सकते हो, क्या कहते हैं आपका UPSC AEC, तो हाँ ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। बट हिंदी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है यार, हिंदी लगता है कि यार नहीं पढ़ पाएंगे, तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए 75 नंबर है तो आपको कहाँ से पढ़ना है, एक बुक मैं बताता हूँ। हिंदी का लूसेंट आता है, लूसेंट जैसे GS का लूसेंट आता है, ऐसे हिंदी का लूसेंट आता है, बस उसको पढ़ लेना है और उसको पढ़ना है, और ज़्यादा बहुत नहीं पढ़ना। आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ समझने वाली बात होगी, क्योंकि यार देखो 25 क्वेश्चन आती है, बहुत टफ नहीं आते। आपको संधि विच्छेद ये पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, और वर्ड को जब तोड़ के लिखते हैं ना, तो उसको जब मिलाते हैं एक वर्ड बनता है, वो पढ़ना है। अनाकार्थी शब्द पढ़ते हैं, और मुहावरा पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन, ये सारी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग लिए, और क्या कहते हैं आपको पूछता है संज्ञा सर्वनाम, और ये सारी चीज़ें हैं जो पास्ट ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में आप बोलते हो, उसको आपको पूछता है ये कौन सा है, सर्वनाम या संज्ञा है या आपकी जो भी है, तो ये पूछता है आपको। तो हिंदी में वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। मैं हिंदी का एक डिटेल डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, जो चीज़ें क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ से आप 25 में से एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, आराम से 15-16 बहुत मार्क्स होते हैं, आराम से 50 नंबर भी ला सकते हो हिंदी में ईजिली। तो हिंदी बस आपको लूसेंट पे केयर करना। आप कोचिंग ले रहे हो तो अलग बात है, कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, बट लूसेंट के विलोम पढ़ लेते हो, पर्यायवाची पढ़ ले रहे हो, संधि विच्छेद पढ़ ले रहे हो आप, अनाकार्थी मुहावरा ये सारी चीज़ें पढ़ ले रहे हो, तो आराम से ईजिली कर पाओगे, ठीक है। अब दूसरा पेपर जो होता है आपका पेपर टू सिविल इंजीनियरिंग, भी उसमें 100 आते हैं, 75 मार्क्स, नॉन टेक भी आते हैं, जैसे GS जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस होता है, तो उसको कहाँ से पढ़ना, कितना इम्पोर्ट। देखो जितना हिंदी पढ़ोगे, हिंदी में क्या हो रहा, हिंदी इतना वो नहीं होता है कि आपको कुछ अलग पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, कुछ पता नहीं है, ये हिंदी में नहीं हो सकता, बट GS में हो सकता है। GS बहुत बड़ा पोर्शन है, GS बहुत ज़्यादा है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, फैक्ट पूछ सकता है, ऐसे रेगुलर करंट अफेयर पूछ सकता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पूछ सकता है। तो GS में नंबर लाना थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू द हिंदी। तो GS में क्या है, आपको आप 75 मार्क्स ले, करंट अफेयर देखो कुछ भी पूछ लेगा, तो करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप पढ़ सकते हो। तो लूसेंट इसके लिए एक लूसेंट पढ़ो, और मेडिजी का एक हैंड बुक आती है मोटी से, वो पढ़ो, और करंट अफेयर का बुक कोई भी खरीद लो जो आपको अच्छा लगता है, करंट अफेयर 6 मंथ का, 12 मंथ का, जो भी है उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। हिंदी देखो इसमें 10 से 15 भी मार्क्स, 10 नंबर भी, 10 क्वेश्चन भी सही कर दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, 10 से 12 15 जो भी कर दे रहे हो, क्योंकि 25 इसमें करना बहुत टफ है, क्योंकि होता ही नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे लेवल। आप बहुत डीपली पढ़ रहे हो GS, तो 25 क्वेश्चन के लिए बहुत डीपली तो नहीं जाओगे, क्योंकि आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, 100 टेक्निकल हैं, तो 100 टेक्निकल पे फोकस करोगे, ना कि GS पे फोकस करोगे। आप पढ़ भी ले रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो गाइस मेरा मानना है कि हिंदी से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, और क्या कहते हैं GS से थोड़ा सा कम ला पाओगे, तो ये मानना है। तो ये 4 रिसोर्स भी बता दिया मैंने, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस किया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, UPSC AEC से कोई भी एग्ज़ाम से लेके मैं ज़रूर बताऊँगा। कोचिंग का भी नहीं देखो कौन सा कोचिंग लेना, वो भी जाके वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन लिंक है आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।